ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान के सूबे पंजाब के मशहूर शहर लुधियाना में 8 दिसंबर 2018 को एक ऑल इंडिया मुशायरे का इनाकाद किया गया। मुशायरे के सरपरस्त रहे अनस इंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर मोहम्मद फारूक, नायब सदर रहे मोहम्मद शाहजरान, मुशीरे खास रहे शरीफ अहमद और अशफाक जिगर, मुशायरा कन्वीनर रहे वासित अली बेताब, नायब कन्वीनर रहे नईम चक्राज मली, मेहमाने खुसूसी रहे अलहाज बाबा जी बेंगलोर वाले व पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान साहब। इफ्तिता किया मुकीत आलम सदर आरजेडी पार्टी पंजाब, शमा रोशन हाजी अजमल और खुसूसी ताउन रहा शकील अहमद व मोहम्मद इश्तियाक। इस मुशायरे में शायर मंसूर राणा ने भी नुमाया किरदार अदा किया। मीडिया प्रभारी रहे मनोहर विजय और खुसूसी ताउन रहा असलम सैफी का। नफरत की आग जहनों दिलों में लगा गई। अली भाई बात क्या दिलों में लगा गई। महके हुए चमन को भी वीरा बना गई, वीरा बना गई। महके हुए चमन को भी वीरा बना गई, वीरा बना गई। आफत का भाईचारा मोहब्बत बिखा गई, आपस का भाईचारा मोहब्बत बिखा गई, मोहब्बत बिखा गई। भारत में जब से भाजपा सरकार आ गई, सरकार आ गई। भारत में जब से भाजपा सरकार आ गई, सरकार आ गई। क्या कहने नहीं, बहुत अच्छा है भाई, बहुत वाह वाह जी। शुक्रिया बहुत बहुत, आपने मेरा हौसला बढ़ाया। नफरत की आग जहनों दिलों में लगा गई। हमारे बाबा इकराम साहब वाकई पूरे हिंदुस्तान में एक अदबी सरजमी कर्नाटक, उसमें इन्होंने तपते हुए सहराओं में फूल खिलाने का काम किया है और समाज की खिदमत कर रहे हैं। बाबा इकराम साहब मैं उनकी मोहब्बत चाहता हूं। देखेगा बाबा, देखेगा पहली मरतबा आप सुन रहे हैं मैं हुकूमत की शायरी कर रहा हूं, वरना गजल का शायर। अगर आपका हौसला मिला मेरी ये बात हुकूमत तक पहुंची तो मैं कोशिश करूंगा कि हुकूमत के लिए ही कहूँ, अपनी कौम के लिए कहूँ। कौम का दर्द मेरे अंदर है, ऐसी बात नहीं है। नफरत की आग जहनों दिलों में लगा गई, दिलों में लगा गई। महके हुए चमन को भी वीरा बना गई, वीरा बना गई। आपस का भाईचारा मोहब्बत बिखा गई, आपस का भाईचारा मोहब्बत बिखा गई, मोहब्बत बिखा गई। भारत में जब से भाजपा सरकार आ गई, सरकार आ गई। भारत में जब से भाजपा सरकार आ गई, सरकार आ गई। और यूपी के लिए खास तौर पर चार मिसल समाप्त करें। देखिएगा जी भाई, इनायत की तमाम शायरों से मोहब्बत चाहता हूं, अगर शेर अच्छा हो मतलब सुनिएगा। इनायत भाई, सहने चमन से कह दिया फसले बहार ने, फसले बहार ने,
सहने चमन से कह दिया फसले बहार ने, फसले बहार ने चुन चुन के बदला ले लिया फूलों से खार ने, फूलों से खार ने चुन चुन के बदला ले लिया फूलों से खार ने, फूलों से खार ने मांगे से भीक जिसको ना मिलती थी, मांगे से भीक जिसको ना मिलती थी अब उसे खास तौर पे, मांगे से भीक जिसको ना मिलती थी अब उसे मिलती थी अब उसे यूपी की कुर्सी सौंप दी परवरदिगार ने, परवरदिगार ने बहुत अच्छे यूपी की कुर्सी सौंप दी परवरदिगार। अगर ये शेर अच्छा नहीं है तो फिर खामोश रहे, अगर शेर अच्छा है तो मुझे ताईद कीजिएगा शेर की। अच्छा नहीं है जी, शुक्रिया जी, मैं हाजिर करता हूँ, देखिएगा चार मिसरे और आप तक पहुंचाता हूँ। जब तुमने किया बुग़्ज़ो अदावत का फैसला, जब तुमने किया बुग़्ज़ो अदावत का फैसला, जब तुमने किया बुग़्ज़ो अदावत का फैसला, हमने भी कर लिया है बगावत का फैसला, हमने भी कर लिया है बगावत का फैसला। क्या कहने, फिर से यजीद सर को उठाने लगे यहाँ, फिर से यजीद सर को उठाने लगे यहाँ, मिलजुल के आओ कर ले शहादत का फैसला, मिलजुल के आओ कर ले शहादत का फैसला। जब तुमने किया बुग़्ज़ो अदावत का फैसला, हमने भी कर लिया है बगावत का फैसला। आइए हजरात, क्या कहने, दो चार शेर बहुत में गजल के आप आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MEDIA मीडिया, वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जल्द से कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या WhatsApp भी। मुझे इजाजत दीजिए।